हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। हम नहीं ठीक हैं, बट क्या करें, तबीयत भी कुछ ख़राब होती जा रही है दोस्तों। और इतना ज़्यादा पूरे शरीर में दर्द है कि कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। नटुल जी भी नहीं हैं, और अल्ट्रासाउंड जब हुआ था तो आप लोगों को दिखाए भी थे दोस्तों कि क्या प्रॉब्लम, क्या क्या है। पूरा बदन फट रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से अठवा लगा है एकदम परेशान हो गई हूँ। और नटुल जी के पास थी तो कह रहे थे कि बस मुझे ही भूझती हो, मेरे पास आती हो तो तुमको बीमारी चालू हो जाता है, और वहाँ जाती हो तो हंसती हो। दोस्तों अपना दर्द, इंसान को जब दर्द होगा तो वही जानेगा, या तो जो बहुत करीब होता है वो समझता है। नटुल जी को लगता है कि मैं उनको बस परेशान करती हूँ, बट दर्द तो हमेशा ही होता है, लेकिन जब मुझे सहन नहीं होता तभी ही परेशान करती हूँ, तभी ही बताती हूँ। लोग मुझे मोटी भैंस क्या क्या मतलब बोल रहे हैं कमेंट में, कई कमेंट मैंने देखा, रिव्यू भी किया, लेकिन मैं खाने पीने से मोटी नहीं हुई हूँ। मेरे शरीर में ब्लड की कमी है और इसलिए मेरा पूरा बदन सूज रहा है। मम्मी के पास जब आई हूँ तो दोस्तों टहलने वहलने जाती हूँ तो हल्का फुल्का मतलब सूजन कम हुआ है। आप लोग शॉर्ट भी देखे होंगे, जब ससुराल में थी तो पैर में बहुत ज़्यादा मेरी सूजन था और फेस भी एकदम गुब्बारे के जैसा हो गया था, लेकिन सूजन अभी भी है। और दवा तो खा रही हूँ, आयरन और एक और गोली कोई है मतलब दी है डॉक्टर। पहले मैं नहीं खा, पचता ही नहीं था, उल्टी हो जा रही थी जब भी खा रही थी, तो बाहर का दवा लिखी है, लेकिन फिर भी मैं बोली कि जो है उसी को खा के देखती हूँ, शायद ना पचे। तो अब ठीक है, खा ले रही हूँ, बट हालत नहीं ठीक है। थोड़ा भी मतलब शरीर में हिम्मत नहीं है कि मैं दो कदम उठ के कुछ काम कर सकूँ, लेकिन काम फिर भी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि नहीं अगर करूँगी तो मेरी तबीयत डाउन होगी, मुझे प्रॉब्लम होगा, और मैं जब परेशान होंगी तो मेरे नटुल जी भी बहुत परेशान होंगे। उनका फ़ोन सुबह से लगा रही हूँ, फ़ोन नहीं लग रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं तकदीर में क्या लिखा है क्या नहीं। दोस्तों मुझे डर भी लग रहा है, आपने कुछ कह नहीं सकते, डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या लिखा है क्या नहीं। बट दोस्तों अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, जय माता जी, बाय बाय। अपना आप लोग ख्याल रखिए, मेरे जैसे लापरवाही मत करिएगा, और जो भी होगा तुरंत तुरंत बताइएगा। मैं बताती हूँ तो जल्दी कोई नहीं समझता है, क्योंकि हंसती रहती हूँ इसलिए।